यार आज चिकन खाने का था मूड, पहुंच गए हम फीस्ट मूड। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज आपको एक्सप्लोर कराता हूँ मेरठ का द मोस्ट ब्यूटीफुल फीस्ट मूड रेस्टोरेंट। वैसे तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लगभग 500 मीटर के एरिए में 8-10 रेस्टोरेंट हैं, वो भी बहुत ही बड़े बड़े। इस 500 मीटर के एरिए में हाजी सईद रेस्टोरेंट, लुकमा रेस्टोरेंट और एसके चिकन वाला, और उसके ठीक सामने है भाई दस्तरखान। दस्तरखान के जस्ट बराबर में है स्टार फूड, और इस साइड पड़ता है भाई दिल्ली दरबार, शाने करीम और दिल्ली वाला। द फीस्ट मूड मुजफ्फरनगर वालों की दूसरी ब्रांच है, पहली ब्रांच लगभग 10-15 साल से ये मुजफ्फरनगर में चला रहे हैं और नई ब्रांच खुली है आज मेरठ में। तो आपको एक्सप्लोर कराता हूँ द ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट फीस्ट मूड। यार देखने में इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट है, यार खाना भी इतना लजीज है, तो चेक करते हैं। ओहो हो गाइस, ये बन रहा है चिकन शोरमा। चिकन शोरमा बड़े बड़े चिकन के पीसेस और उसमें मसाला वसाला डाल के, चटनी डाल के ये कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये रोटी पर रख कर उसको चिकन शोरमा बना देंगे। चलिए गाइस अंदर चलते हैं अभी। तो गाइस अंदर का इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, सभी लोग इधर से उधर चल रहे हैं और अपने अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। आई थिंक आज वेटिंग में है यार, लगता है चेयर आज तो टेबल मिलने वाली नहीं है, तो सब अपने खाने में बिजी थे। अपने खाने के साथ सब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये है द फीस्ट मूड रेस्टोरेंट। भाई नवेद भाई ने तो अपनी टेबल पकड़ ली, हमारी टेबल मिल चुकी है हमें, लगभग एक घंटे हमने वेट किया अभी यहाँ। इनका मेन्यू बहुत ही वाइड है। और किचन में देखो कितना रश है, जितने ही वेटर्स हैं सब अपनी अपनी टेबल को फॉलो कर रहे हैं। क्या बात नवेद भाई, टेबल मिल गई भाई, ये डिसाइड आप करोगे, हमें तो कोई डिसाइड नहीं करना, तो नवेद डिसाइड करेंगे भाई। इनका मेन्यू बहुत वाइड है। गुड फूड फॉर गुड मूड, तो ये स्लोगन लिखा हुआ है दीवार पर और देखते ही दिल खुश हो जाता है यार। सो गाइस ये है मिस्टर शहजाद, ये इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं और आज हमें बहुत ही अच्छी तरह से ये होस्ट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम नई नई डिश लेकर आए हैं और आज यही इन्हीं की चॉइस से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। तो भाई ने ऑर्डर कर दिया 6 तरह की डिशेस, तो आज जैसे आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे ये डिशेस हैं। तो भाई यहाँ सब अपने अपने में बिजी हैं खाने में। इनका मेन्यू इतना वाइड है, 100+ क्वांटिटी है डिशेस की, तो यार बहुत ही कंफ्यूजिंग डिसाइड करना है, तो इसलिए तो हमने शहजाद भाई पे छोड़ दिया, जो मंगाने हैं मंगाओ भाई। स्टार्टर में हमारे लिए सबसे पहले आया चिकन बर्रा, जो बहुत ही जूसी दिख रहा था और बहुत ही यमी दिख रहा था। और सेकेंड डिशेज है हमारी भाई चिकन बटरफ्लाई। तो चिकन बटरफ्लाई देखने में यार एकदम से बिल्कुल न्यू और ऑथेंटिक लग रहा था, अब इसको टेस्ट करते हैं।
इसकी बनावटी इतनी प्यारी है, दिल करता है यार इसको देखते रहें। आप इसको टेस्ट करते हैं और ग्रीन सॉस के साथ, ग्रीन चिली सॉस के साथ इसको डिप करेंगे और इसको भाई खाएंगे। तो लेट्स गो। तो ये मैंने उठाया एक पीस जो बहुत ही जूसी दिख रहा था, ओए होए होए होए, बहुत ही स्पाइसी मसालेदार। तो अब मैंने इसको डिप किया ग्रीन, अरे रुको भाई रुको, ग्रीन चिली सॉस में, ये देखिए ओए होए। तो भाई इस बटरफ्लाई का क्या सीन था, एक आलू का बहुत ही पतला सा स्लाइस लिया, उसको फ्राई किया और उसके ऊपर एक चिकन का बड़ा पीस फ्राई करके रखा और उस पर बटर मसाले लेमन मैंने डाल के, मैंने मसाला सारा डाल के उसको सर्व किया गया प्लेट में। बहुत अच्छा भाई, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और टेस्ट में तो यार ओहो हो बहुत ही गजब था। ये आ गया भाई काजू कीमा। तो ये हाफ क्वांटिटी काजू कीमा, इसमें काजू और बादाम ठूस ठूस के भरे गए हैं। तो मेरठ से बहुत लोग जाया करते थे पहले मुजफ्फरनगर इनका काजू कीमा खाने। काजू कीमा इनका बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रंची क्रंची जब काजू मुंह में आते हैं ओए होए होए यार गजब। ये आ गया भाई बटर चिकन, इसकी भी हाफ क्वांटिटी है बटर चिकन, चिकन की ऊपर से क्रीम डाली है और ये हरी चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस सॉरी। अभी आ गया हमारे पास KFC स्टाइल में चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप का क्या सीन था यार, एकदम क्रंची क्रंची दिखाई दे रहा, कलर कितना शानदार है, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर। और इसको ग्रीन चिली में डुबो कर और इसके ऊपर मियो डालकर तो खाया जाए तो कैसा रहेगा। तो चलते हैं खाए भाई, ट्राई करते हैं। तो पहले ये ली भाई मैंने, ग्रीन चिली डाली इसके ऊपर और एक स्पू एक फोक में ली मैंने भाई मियो मियो, ओए होए होए यार एकदम गोल्डन गोल्डन कलर का। जो मैंने पीस का एक बाइट लिया ना, बहुत ही सुपर बाइट है। ये लो भाई मैंने हथियार उठा लिए हैं और ये देखो ये है ओए होए होए KFC स्टाइल में चिकन लॉलीपॉप, बहुत ही क्रंची, जो बहुत ही क्रंची था, आहा ग्रेट, मज़ा आ गया। ये है चिकन बर्रा जो बहुत ही जूसी दिख रहा था, इसको चटनी में डिप करके जो मैंने इसको ट्राई किया ना, ओह भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का चिकन बर्रा था ये, एकदम नेक्स्ट लेवल का। उसके बाद आ गई भाई गर्मा गर्म रोटी, क्या टेक्सचर है रोटी देखने का, बटर बटर लगा के, और इसको बोलते हैं भाई खबूस। तो ये रोटी मैंने पहली बार खाई। खबूस क्या है, इसमें आटे का ज़्यादा यूज करते इसलिए इसको खबूस बोलते, लेकिन रोटी का जो टेक्सचर है ना, ओह एक टेक्सचर आप देख सकते हैं, कलर कितना शानदार है और सिकाई भी कितनी ज़बरदस्त है। अभी हमारे पास आ गया चिकन अल्फाम। भाई चिकन अल्फाम इसका नाम अलग क्यों रखा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फुल चिकन रोस्टेड है और उसमें बटर बटर डाल के मियो मियो वगैरह डाल के ऊपर, और ये आ गया भाई बिल्कुल प्योर अमूल बटर। अब इसके ऊपर इसको बटर को डालेंगे, आहा क्या खुशबू है यार बटर की, ओह एकदम स्मोकी स्मोकी फ्लेवर वाला ये चिकन अल्फाम और रोटी आ गई भाई, आज दबा के खाने वाले हैं एकदम, और टेबल तोड़ देंगे इतना खाएंगे। चलिए अब ट्राई करते हैं रोटी से कुछ नया। तो भाई ये है चिकन अल्फाम जो पहले मैं बता रहा था, तो इसको ट्राई करते हैं। ये चिकन मैंने चिकन फ्राई KFC स्टाइल ये खा चुका हूँ, ये बटर चिकन है और ये चिकन भाई काजू कीमा। तो इसको थोड़ा ट्राई करते हैं खबूस रोटी के साथ। तो नवेद भाई लगे हुए हैं और नवेद भाई के जो दोस्त हैं वसीम भाई, ये भी लगे हुए हैं लेमन वन डाल रहे हैं अल्फाम पर। मुंह में ना यार इतना ज़बरदस्त पानी आ रहा था और भाई खाने का बस यार इतना शानदार, इतना टेस्टी नेक्स्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का खाना मैंने आज तक नहीं खाया भाई। जिस तरह का रेस्टोरेंट है ना, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट और खाना भी इतना ही लजीज है इनका। तो अब ट्राई करते हैं भाई थोड़ा काजू कीमा। तो ये है काजू कीमा जिसकी क्वांटिटी हाफ है। तो काजू कीमे में एकदम काजू भरा हुआ है और बादाम बादाम के पीसेस हैं।
चलिए इसको ट्राई करते हैं खाबूस रोटी के साथ। तो ये बनाया मैंने बड़ा सा लुकमा। ओए होए देख रहे भाई, काजू भी दिख रहे हैं ना। ओए ओए होए होए होए, क्या शानदार है यार, मज़ा आ गया एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अब ट्राई करते हैं चिकन अल्फाम। तो मेरा नंबर आ गया चिकन अल्फाम पर। थोड़ा सा इसका पीसेस देखता हूँ कि ये किस तरह का बनाया है इन्होंने। ये भाई इनका नाम सुना है, चिकन अल्फाम बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये मैंने पीस लिया। ओह गजब क्या टेस्ट है, एक पीस और लेता हूँ बड़ा वाला। तो ये मैंने बड़ा वाला पीस लिया। ओह मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। अभी ट्राई करते हैं भाई, ये है बटर चिकन जो नोवेट भाई खा रहे हैं, इसको अभी मैं थोड़ा भी ट्राई करूँगा। तो सब अपने अपने खाने में बिजी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और खा भी रहा हूँ सब, लेकिन सब अपने अपने खाने में बिजी हैं, कोई वीडियो बनाने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने खाने में मस्त हैं। ये देखो ये भाई नवेद भाई ने तो आस्तीन नवास्ती है चढ़ा के भाई अपने खाने का लुत्फ ले रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं अपने खाने के साथ। चलिए अब थोड़ा इसका बटर चिकन ट्राई करते हैं भाई। बटर चिकन की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये ली मैंने एक बड़ा पीस चिकन का और ऊपर से भाई ग्रेवी। भाई कलर बहुत ही शानदार है। एक लुकमा मैंने लिया भाई रुमाली रोटी के साथ। ओह बहुत ही शानदार। आखिरी डिश थी भाई हमारे पास चिकन शोरमा। तो हमने चिकन शोरमा भी मंगाया लगभग 2 प्लेट, उसमें 4 पीस आए, चारों ने एक एक पीस ट्राई किया। तो ये रोल टाइप था और मैंने एक रोल उठाया और उसको डिप किया मियो में और ग्रीन चिली सॉस में और उसको बहुत ही अच्छे से मैंने बाइट लिया। तो भाई मज़ा आ गया, मुंह में घुल गया एकदम से। ओए होए होए यार, इनका चिकन शोरमा भी बहुत ही सुपर है एकदम। रोटी का टेक्सचर देखो, वाइट और ब्लैक ब्लैक स्पॉट वाली। ओए होए होए, फाइनली हमारा खाना हो चुका था और 1792 का हमारा बिल बना। लगभग 6 डिश आई और एक कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर वाली। तो हमने बहुत अच्छे से अपना आज का डिनर इन्जॉय किया। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई। जितने जैसे मैंने यहाँ का खाना खाया ना, बहुत ही भाई एकदम खाना मज़ेदार था। और इनका जो फीस्ट मूड वालों का ना खाना एकदम नंबर वन खाना। नवीद का और सारे दोस्तों का रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा था। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।